मैं अपने मंत्र रूप वज्र से क्रवयाद अग्नि को दूर करता हूँ। गहरपत्य अग्नि के द्वारा मैं उस अग्नि का शासन करता हूँ। यह पितरों का भाग होता हुआ उनके लोक में स्थित हो। उक्त प्रशंसक क्रवयाद अग्नि को मैं पितृयान मार्ग में भेजता हूँ। हे क्रवयाद, तू पितरों में ही बढ़ और वहीं जागता रहे। देवयान मार्ग द्वारा तू यहाँ दोबारा मत आ। पवित्रता प्रदान करने वाले अग्नि देव शुद्ध होने के लिए शव भक्षक अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। वह अग्नि अपने पाप का त्याग करता हुआ जाता है। उसे वह पवित्र अग्नि शुद्ध करते हैं। शव भक्षक अग्नि स्वयं पाप से मुक्त होते हैं और अमंगल से हमारी रक्षा करके स्वर्ग पर जाते हैं। इस शव भक्षक अग्नि में हम पापों को शुद्ध करते हैं। हम शुद्ध हो गए, अब यह अग्नि हमको पूर्ण आयु वाला बनाए। यक्ष्मा रोग को जानने वाला जो संघात्मक, विधातक और शब्द रहित अग्नि है, वे यक्ष्मा के साथ ही सुदूर चले गए हैं और वहां जाकर नष्ट हो गए। जो क्रवयाद हमारे अश्वों, गायों, बकरियों तथा वीर पुत्र पौत्र आदि में प्रविष्ट हुआ है, उसे हम दूर भगाते हैं। जो क्रवयाद हमारे अश्वों, गायों, बकरियों तथा वीर पुत्र पौत्र आदि में प्रविष्ट हुआ है, उसे हम दूर भगाते हैं। जो क्रवयाद जीवन का क्रम बिगाड़ने वाला है, उसे हम मंत्र बल से दूर भगाते हैं। हे क्रवयाद अग्नि, हम तुझे मनुष्यों, गायों और घोड़ों से दूर भगाते हैं। हे अग्नि, जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं, उसमें शुद्ध होकर तू भी स्वर्ग को जा। हे गहरपत्य अग्नि, तुम हमारा त्याग मत करो। तुम भली भांति प्रदीप्त हो रही हो, तुम में आहुतियां दी जा रही हैं। तुम चिरकाल तक सूर्य के दर्शन कराने के लिए प्रदीप्त रहो। हे पुरुषों, तुम सिर के रोग को सीसे में, नड़ नाम की घास में और काली भेड़ में शुद्ध करो। हे पुरुषों, सिर के रोग को तकिए में स्थापित करो। मल को सीसे में तथा काली भेड़ में शुद्ध करके स्वयं शुद्ध बनो। हे मृत्यु, तू देवयान से भिन्न मार्ग में जा। तू दर्शन और श्रोत्र शक्तियों से युक्त है, इसलिए तू सुन ले कि हमारे बहुत से वीर पुत्र बढ़ते रहेंगे। ये प्राणी मृत्यु को दूर करने वाली शक्ति से युक्त हो गए। हम सुंदर वीरों से संपन्न होकर नृत्य, गान, हास्य में रत हैं। हम यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देवताओं को आहुति देना कल्याणकारी है। हे मनुष्यों, तुम अपनी मृत्यु को पत्थर से दबाओ। मैं तुम्हें पत्थर रूपी कवच देता हूँ। उसे कोई अन्य प्राप्त ना करे, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। हे मनुष्यों, तुम वृद्धा अवस्था की दीर्घ आयु को प्राप्त करो। तुम सुंदर जन्म वाले और मान प्रीति वाले हो। त्वष्टा तुम्हें दीर्घ जीवन के हेतु पूर्ण आयु प्रदान करे। जिस प्रकार ऋतुएं एक के पीछे दूसरी आती हैं, जैसे दिन एक के पीछे दूसरे आते हैं, जैसे बाद वाला पहले का त्याग नहीं करता, हे माता, उसी प्रकार इन्हें आयुष्मान बनाओ। हे मनुष्यों, यदि नदी पाषाणों से युक्त बह रही है, वीरता पूर्वक इस नदी के पार हो जाओ। अपने पापों को तुम इसी नदी में डाल दो, इसके बाद हम रोग निवारक वेगों को प्राप्त करें। हे मित्रों, उठो और तैरना आरंभ करो। पत्थरों वाली सरिता तेजी से बह रही है। जो अकल्याणकारी हैं, उन्हें हम यहीं पर त्याग दें। हम नदी को पार करके सुख देने वाले अन्नों की प्राप्ति करें। हे पवित्र देवों वाली अग्नियों, तुम शुद्ध होने के समय
सब देवताओं का स्तवन करो। ऋग्वेद के पदों से पापों को लांघते हुए हम 100 हेमंतों तक पुत्र आदि सहित आनंदित रहे। परलोक गमन में वायु से पूर्ण उत्तरायण मार्ग में जाने वाले ऋषियों ने निकृष्ट मार्गों को लांघा था। उन्होंने मृत्यु को भी 21 बार पार किया था। मृत्यु के लक्ष्य को भ्रमित करने वाले ऋषि आयु से परिपूर्ण हैं। तुम भी इस मृत्यु को दूर भगाओ, फिर हम जीवन में यज्ञ की स्तुति करें। ये स्त्रियां सुंदर पतियों से युक्त रहें, ये विधवा ना हो, ये अश्रुओं से रहित और घृत से युक्त हो, ये सुंदर अलंकारों को धारण करने वाली हो तथा संतानों उत्पत्ति के हेतु मनुष्य योनि में ही रहे। मैं उन दोनों को मंत्र शक्ति के द्वारा सामर्थ्य वाला बनाता हूँ। मैं पितरों की स्वधा को जीर्णता युक्त करता हुआ उन्हें दीर्घ आयु वाला बनाता हूँ। हे पितरों, नष्ट ना होने वाले फल को देने वाले अग्नि हमारे हृदय में विराजमान हैं। वे हम सबसे द्वेष करने वाले ना हो, हम भी उनके प्रति द्वेष ना करें। हे प्राणियों, मंत्रों के द्वारा इस ग्रहपत्य अग्नि से दूर हटो तथा क्रवयाद अग्नि से दक्षिण दिशा को जाओ। वहां तुम्हारे लिए और पितरों के लिए जो प्रिय हो वही कार्य करो। जो पुरुष क्रवयाद अग्नि को नहीं छोड़ता वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा अपने धन को लेता हुआ क्षय का पात्र होता है। जो पुरुष क्रवयाद अग्नि का सेवन करना ना छोड़े उसकी कृषि सेवनीय वस्तु बहुमूल्य वस्तु आदि जो उसके पास है वे शून्य के समान रह जाती हैं। जो पुरुष क्रवयाद अग्नि को नहीं छोड़ता वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं रहता, उसका तेज नष्ट हो जाता है तथा आहुत अर्थात बुलाए गए देवता उसके पास नहीं आते। क्रवयाद अग्नि जिसके पास रहकर ताप देता है वह पुरुष अत्यंत व्यथा को प्राप्त होता है। आवश्यक वस्तुओं के समेत उसे बार बार दीन वचन कहने पड़ते हैं। जो पुरुष क्रवयाद अग्नि को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है उसके लिए घर कारागार के समान बन जाता है और स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे विद्वान मनुष्य का आदेश मानना चाहिए। हम जो पाप कर चुके हैं उस पाप से तथा शव भक्षक अग्नि के स्पर्श के दोष से मुझे जल बचाएं। जल देव मार्ग के द्वारा दक्षिण से उत्तर को जाते हैं तथा नवीन बनकर वर्षा के रूप पर्वत पर नदी का रूप धारण कर लेते हैं। हे गहरपते अग्नि, तुम क्रवयाद अग्नि को हमसे दूर करो तथा देव पूजन की सामग्री को वहन करो। इस पुरुष ने क्रवयाद अग्नि का अपने घर में प्रवेश कर लिया है तथा यह उसी का अनुगामी हो गया है। मैं उन दोनों को बाधक के समान मानता हूँ तथा इस क्रवयाद अग्नि को अलग करता हूँ। देवताओं के भीतरी और मनुष्यों के परिधि रूप गहरपति अग्नि देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ हैं। हे अग्नि, तुम जीवितों की आयु की वृद्धि करो तथा मृतकों को देवलोक में भेजो। गहरपति अग्नि शत्रुओं को जलाए। हे गहरपति अग्नि, तुम मंगलमय उषा को हम में प्रतिष्ठित करो। हे अग्नि, तुम सब शत्रुओं को वश में करते हुए उनके बल और धन को हम में प्रतिष्ठित करो। इन ऐश्वर्य वाली अग्नि का स्तवन करो, ये तुम्हें पाप से मुक्त करे। उनके द्वारा तुम रुद्र के बाण को दूर हटाते हुए अपनी रक्षा करो। हवि रूप माता की वाहक अग्नि का स्तवन करो, वे पाप से तुम्हारी रक्षा करें। अग्नि सविता की नौका पर चढ़कर 6 देवियों के द्वारा हमें बुद्धि से बचाएंगे।
ही गहरे पत्ते अग्नि, तुम दिन और रात के आश्रय रूप होते हुए हमें प्राप्त हो। तुम कल्याण प्रद होते हुए हमें पुत्र पात्र आदि से युक्त करते हो। तुम्हारी आराधना सुगम है, तुम हमें निरोग तथा हर्ष युक्त करो। तथा पर्यंक पलंग पर चढ़ाते हुए दीर्घ काल तक प्रदीप्त होते रहो।